का अकोटा ब्रिज पे कहाँ को लेके जा रहे हैं? अकोटा ब्रिज है, अकोटा ब्रिज है, अकोटा ब्रिज है मेरा बच्चा ये। कितनी सारी बिल्डिंग है मेरे ताहा को लेके हम अकोटा ब्रिज जा रहे हैं। देखो हमारी जन्नत का सामान भी तैयार, हमारी गाड़ी भी तो रहे। नहीं मैं रखूंगी, मैं नहीं रे, तुम क्या रखेंगे? तुम क्या लेके चले हमारे घर? देखो मेरा अब्बा, हाँ जो, हाँ जी, सामान देख लो, मैं बराबर संभाल के बैठा बेटा। ये मेरा हमजा बेटी को लेके भी चले, सामान दे। बाकी ये अम्मी तो देखो, अम्मी देखो, अब अम्मी के पास, अम्मी लाथड़िया मत खाओ। देखो ये मेरी अम्मी अब्बा दोनों तैयार हो चुके हैं। यहाँ भाई जो अम्मी अब्बा तैयार हो गए और अब हम जा रहे हैं, बैठ गए, हाँ बेटा हम जाते बिस्मिल्लाह तवक्कल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अजीम। तो बस यहाँ बाजू पे गाड़ी में बैठ के गाड़ी की सवारी की दुआ पढ़ लो, लाजमी है। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, जब भी गाड़ी में बैठो तो लाजमी लाजमी सवारी की दुआ पढ़नी है। बिना सवारी की दुआ पढ़े बिल्कुल भी गाड़ी में सफ़र नहीं करना है। तो बस यहाँ बाजू पे हमने सवारी की दुआ पढ़ ली है और आज मैं लेके चली मेरी जन्नत को मेरे घर और मेरी बेटी को। तो बस यहाँ बाजू पे मैं आज हम लोग लेने आए हैं मेरी अम्मी और मेरे अब्बा को, और मेरी बेटी के भी आने का है। तो बस बेटी और बच्चे को लेने आ गए हैं हम लोग। और यहाँ बाजू पे सर्वोत्तम में यहाँ गोधरा से बड़ौदा आज का सफ़र है मेरा आज। और यहाँ देखो मेरा बेटा, मेरा ताहा सो गया है और गाड़ी में सामान देख लो आप कितना ज़्यादा। मेरी बेटी होवे ना तो सामान से अक्की गाड़ी भरा जाती है। देखो सामान, ये मेरी बेटी का सामान है, वो बैठी है भी किस तरह से क्योंकि सामान ही इतना सब डाला है मेरी बेटी ने तो। और यहाँ मेरी अम्मी और मेरे प्यारे से अब्बा। तो बस यहाँ बाजू पे सर्वोत्तम में चाय पीने के लिए हम थोड़ी देर गाड़ी रुकाई है हाजी साहब ने, और मेरे अब्बा को चाय पीनी थी। तो बस ये सर्वोत्तम है बड़ौदे की, और बड़ौदा और गोधरा के बीच में आती है सर्वोत्तम होटल, और यहाँ की चाय बहुत ज़बरदस्त। अभी मैं आपको चाय भी दिखाती, देखो हमारा बेटा जी चाय लेकर गोल्डन चाय, और एक एक यानी बाइक पे टेस्ट है चाय का, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छी चाय है। तो बस और यहाँ बाजू पे मौसम बिगड़ गया है, मौसम ख़राब हो रहा है, तो यहाँ गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। आओ आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। तो बस अभी मैं और मेरा बेटा, हम सब ने चाय पी, खाली मेरी बेटी ने चाय नहीं पी, और ताहा सो रहे थे तो ताहा ने भी चाय नहीं पी शायद से। तो बस यहाँ बाजू पे हम लोगों ने चाय पी रहे हैं हम लोग सब सर्वोत्तम में, और मौसम बिगड़ गया और मेरी अम्मी के पैर थोड़े से रह जाते, अम्मी थक जाते गाड़ी में बैठे बैठे, तो अम्मी थोड़ी देर बोलते मेरे पैर छोटे करती हूँ। बस अम्मी यहाँ बाजू पे हम लोग मौसम का, और यहाँ बारिश की घड़ाघड़ एकदम आज बारिश, मौसम बदला के आजकल मौसम का कोई ठिकाना नहीं है कब बदल जाता है, और अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है तो फटाफट गाड़ी में बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं फिर से हमारे एक नए सफ़र में, लेके अपने अम्मी अब्बा और बेटी को मेरे साथ, और मेरे ताहा हमजा सब है, लेकिन बच्चे बहुत थके हुए हैं तो बच्चे दोनों सो गए, हमजा भी सो गए और ताहा भी सो गए हैं। और यहाँ बाजू पे मैं अम्मी अब्बा, तो बस आ गए हमारे बड़ौदा घर पे, तो आ गए हम वेलकम होम। और ये देखो ये देखो, ये ऐसा बोल रही है कि तुम, हम दो दिन गोधरा भी रह का है,
तो 2 दिन हम गोधरा रह गए थे मम्मी के घर, तो ये है हम आए ने, तो उनको हम ताहा को और हमजा को लेकर आए। तो ये लोगों को क्या है, हमजा और ताहा को हम गोद में ना बिठावे इसके लिए ये क्या कर रही है, मेरा बच्चा मेरा बेटा, तो हमजा और ताहा को गोद में नानी बिठा लेगी, तो इसके लिए ये आके गोद में बैठ गए ताकि हमजा और ताहा को ना बिठावे और बच्चों को लेके जा रहे हैं अकोटा ब्रिज के। अकोटा ब्रिज बरोड़े का सबसे फेमस है अकोटा ब्रिज, मेरा फेवरेट फेवरेट अकोटा ब्रिज। आप में से किसने अकोटा ब्रिज देखा है? और ये मेरा ताहा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा हमजा, आयत, नुमान। तो बस हम लोग बच्चों को थोड़ा सा राउंड खिलाने लेके गए थे। बड़ौदा आते हैं तो हम अकोटा ब्रिज बच्चों को लेके जाते हैं। और यहाँ देखो अब्बा को ये बिल्लियों ने बहुत सताया था और अब्बा बिल्लियों से अब्बा को पूछते अब्बा तुम कंटाल गए इनसे, तो बोलते नहीं कंटाला। देखो दोनों सो गए गहरी नींद में, दोनों गहरी नींद में सो गए। देखा ये अब्बा को बहुत सताती है, ऐसा है। तो चलो अब्बा से मैं अभी अब्बा को नोनी देती हूँ, अरे गिलोई देती हूँ, तो अब्बा को इसका क्या फ़ायदा है, तो अब्बा से मिल के बात करते हैं कि अब्बा को गिलोई लेने से क्या फ़ायदा है। तो चलो अब्बा से बात करते हैं पहले। गले में गांठ है कि नहीं वो, ये देखो ये मेरे अब्बा के गले में ऐसी गांठ हुई है और ये गांठ के वजह से मेरे अब्बा का ये पूरा पैर है ना सुन मार जा रही है। ये देखो जमड़े हाथ के कड़क कड़क है गांठ, तो है ये गांठ दिख रही है ने, ये अब्बा को गांठ हैगी ना, उसके वजह से पाँव जून मार जाता है। तो अभी हाँ सर के बीच में क्या है अब्बा, तुम्हारे को क्या तकलीफ है, वो गांठ की वजह से तकलीफ क्या है? तो अभी अब्बा गिलोई ले रहे हैं, पर तुम्हारे को तकलीफ क्या है? चर्बी का गांठ है ना, चर्बी की गांठ है। हाँ तो डॉक्टर के पास गया था ने, हाँ डॉक्टर अक्षय पटेल के पास, वो सब छोड़ो ना, उसने दूसरे डॉक्टर को बुला के दो डॉक्टर ने देख के चेक करके किया था कि ये तुम्हारे चर्बी की गांठ है, अच्छी हो जाएगी, होम्योपैथी की गोलियां जिले जिले दी थी, 2-3 महीने करी थी पर कुछ फायदा नहीं हुआ, तो फिर बंद कर दिया था, छोड़ दिया। और अभी क्या कर रहे हो अभी फिलहाल? फिलहाल अभी मोदी केयर की ये गिलोई ले रहे हो ने, अभी मैंने गिलोई अभी अभी ली है। कौन सी टेबलेट लेने का बोला है तुम्हारे को मैंने कल? अपना नाम कौन से लिखे, कौन सी टेबलेट लेने की है तुम्हारे को? क्रिल, हाँ ने, और दूसरी इंटेलेक्ट, वो तुम्हारे पाँव झुनझुनी मार जाता है इसके लिए? उसके लिए कुछ नहीं, ये तो इसके लिए थी ना, है गिलोई है, गांठ घुल जाती है गिलोई से, तो ये तुम्हारे गांठ के लिए गिलोई है, गांठ को घुला देती है गिलोई, ये गांठ के लिए अभी गिलोई ले रहा है। गिलोई मेरे ख्याल से गिलोई पाँव के लिए नहीं है। हाँ गिलोई पाँव के लिए नहीं है पा, कौन जाने काय के लिए, नहीं अपने तो खाते हैं भाई। गिलोई खाने से तुम्हारे को क्या फायदा हुआ अब्बा, ये गिलोई तुमने जब से स्टार्ट करी है ने, तुमको क्या फायदा हुआ? मोशन रेगुलर आता है, नॉर्मल बराबर, हाँ कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हाँ तुम्हारे अंदर एनर्जी आई ने गिलोई खाने से एनर्जी? हाँ 2 दिन से फिरता हूँ, 2 दिन से फिर के, नहीं तो अब्बा ने बिल्कुल बाहर जाना छोड़ दिया था, पर अभी ये जब से गिलोई ली है 2 दिन से अब्बा रोज बाहर जाते फिरने एकले माशाल्लाह। तो उसकी जगह थोड़ी देर बाहर जाके आता हूँ, आधी आधी कल लग दो कल। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे को गिलोई से पेट फजर में साफ आ जाता है, पेट भी साफ हो जाता है ना फजर में, जो 30 मिनट बैठना पड़ता था उससे पांव दुख जाते थे उसके बदले अब तुम्हारे कितने मिनट में बाहर आते टॉयलेट में से? बराबर कितने मिनट में बाहर आते अभी के ये गिलोई लेने के बाद टॉयलेट में से कितनी देर में बाहर आते तुम? बाहर टॉयलेट में बैठना पहले बहुत ज्यादा देर पड़ता था ना तुम्हारे को, फटाफट निकल जाने का, अब फटाफट निकल जाने का। तो टॉयलेट करके जो पहले अब्बा को 10-15 मिनट लगती थी अब 5 मिनट में फटाफट टॉयलेट हो जाता है, पेट साफ हो जाता है, फटाफट टॉयलेट से बाहर आ जाते है, तो सबसे अच्छी बात है गिलोई की। और अब्बा ये गावली खाली रात को ही लेते है ना अब्बा, ये टेबलेट
सिर्फ रात को लेते अब्बा सोने के पहले, सोने के पहले अब्बा रात को लेते हैं, तब्बा को उससे बहुत अच्छा है, एनर्जी मिलती है इससे लेने से। तब्बा तुम इसे इसको लेके खुश होने, टेबलेट ये लेके गोली लेके आप खुश होने, अच्छा लगता। मुफ्त में मिला था खुशी जो है। मुफ्त में कहीं सी अब्बा, क्यों मुफ्त में मिली? तूने अभी तो दिया ना तेरे। हाँ तो कहीं मुफ्त में हो तो कुछ भी वादा नहीं, मैं नहीं, मैं तुमने मेरे को लाए तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए अब्बा कर सकती हूँ, मुफ्त में थोड़ी है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मैंने अभी दोनों को उठा के यहाँ सोफे पे डाले, तो कहते हम यहाँ नहीं सोएंगे, तो चलो इनको उठा के डालती हूँ, देखो फिर यहाँ आते कि नहीं। हाँ पर लंबे पाँव कर दो अब्बा, जल्दी से लंबे पाँव कर दो नहीं तो फिर आ जाएगी। तो ये तो बैठ गया है ये इन्हों से अब्बा, ये तुम्हारे को कंटाला ला दिया इन्होंने, सताते बहुत है ये दोनों जने ने बहुत सताया तुम्हारे को, नहीं सताते देखो, अभी देखती है कि ते नहीं सताती ने नाना है। हाँ कदमों में बैठी रहती है यहाँ बाजू पे, बहुत जबरी हो गई है। ये एक बेटे ने अम्मी को ले लिया, देखो ये अम्मी का बेटा बन गया है, और वो एक बेटी ने अब्बा को ले लिया है, तो दोनों ने माँ बाप को बांट लिए है। तो बस आई होप आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।